हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपली डिलाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एक बहुत ही कूल और यमी सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, कस्टर्ड बनाना आइसक्रीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हम यहाँ पे कस्टर्ड बनाना आइसक्रीम बना रहे हैं। तो ये हमने फुल क्रीम दूध लिया हुआ है यहाँ पे, और इसको हम बॉइल करेंगे दूध को। और साथ ही साथ ये मैंने 2 टेबल स्पून इसमें कस्टर्ड लिया हुआ है, तो थोड़ा सा ठंडा दूध ही हम इसमें डाल देंगे। पहले इस तरह से मैंने ठंडा दूध डाल दिया, और कस्टर्ड को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल लम्स ना रहे इसमें। तो ये कस्टर्ड हमने इस तरह से ठंडे दूध में घोल के रख लिया है, और एक तरफ दूध भी बॉईल हो रहा है। और साथ ही साथ हमें क्या करना है, ये 2 बनाना हमने यहाँ पे लिए थे, इनको छील के 2 घंटे के लिए हमने फ्रीजर में रख दिया था, और अभी इसको ग्राइंडर में डालेंगे हम। और थोड़ा सा इसमें दूध हम डालेंगे और इसको एक मिक्स कर लेंगे, एक पेस्ट टाइप का हम इसका बना लेंगे। और ये देखिए, बनाना को भी हमने जो थोड़ा सा दूध इसमें डाला था, 1/2 कप के करीब बस दूध डाला था, और इस तरह से इसको ग्राइंड करके हमने रख लिया है। तो अब हम चलते हैं, जो हमने दूध चढ़ाया हुआ है गैस पे, और ये दूध बॉईल होना स्टार्ट हो रहा है, तो इसी में हम यहाँ पे थोड़ा सा चीनी ऐड कर देंगे, क्योंकि केला भी हम इसमें डाल रहे हैं। तो अब आइसक्रीम है तो थोड़ा मीठी तो रहेगी, तो इस तरह से ये हम इसमें शुगर डाल देंगे, और इस तरह से अभी इसको मिक्स करेंगे। जब इसमें 1 बॉईल और आ जाएगा, उसके बाद में जो हमने कस्टर्ड अपना मिक्स करके रखा हुआ है दूध के साथ में, वो हम इसमें डालेंगे। और ये दूध बॉईल होने इसमें स्टार्ट हो गया है, और ये पिस्ता हमने काट के रखा हुआ था, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ में ये कस्टर्ड जो हमने लिया था वो अब इसमें डालेंगे हम, और कस्टर्ड डाल के 2 मिनट के लिए इस तरह से इसको चलाते हुए थोड़ा सा, ये देखिए तुरंत ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें ज्यादा देर इसे नहीं पकाना, बस 1 से 1.5 मिनट के लिए हल्का सा इसे इस तरह से पकाएंगे, और उसके बाद में गैस ऑफ करके हम इसमें जो केला हमने मिक्स करके रखा हुआ है अभी, उसको हम ऐड करेंगे, और गैस ऑफ कर देंगे हम। उसके बाद में ये जो हमने केला लिया हुआ था इसी में मिक्स करेंगे, तो सारा हम इसमें से निकाल लेते हैं। और बहुत ही बढ़िया और क्रीमी ये कस्टर्ड बनाना आइसक्रीम बनके रेडी होती है। और अब इसे अच्छे से इसमें आइसक्रीम में मिक्स करेंगे हम, और बस इसको थोड़ा सा ठंडा करके, जिस जो भी आपके पास कंटेनर हो या किसी भी आप बोल में जिसमें भी आप आइसक्रीम जमाएंगे, हम इसको उसमें सारा मटेरियल इसका जो भी आइसक्रीम का ये हमने बैटर तैयार किया है उसमें निकाल लेंगे हम। और इसे अभी हम 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद में हम आगे का प्रोसेस करेंगे इसका। और 4-5 घंटे बाद हम इसे निकालेंगे फ्रीजर से, और ये देखिए इस तरह से ये हल्का सा जम गई है इसमें। तो अब वापस से इसे हम एक बोल में ट्रांसफर करेंगे सारा, और ट्रांसफर करने के बाद में ये क्रीम हमने ली हुई है, पूरा 1 कप क्रीम है, ये हम इसमें डाल देंगे, और इसको विस्कर की हेल्प से अब हम अच्छे से फेटेंगे इसमें, और अब इस तरह से इसको और इस तरह से हम इसको विस्क करेंगे, पूरा अच्छे से हमें फेटना है। वापस से इसे हम आइसक्रीम जिसमें हमने जमाई हुई थी उसी कंटेनर में हम फिल कर देंगे, और आइसक्रीम हमने वापस से कंटेनर में कर लिया है। तो अभी हम इसको जब फ्रीजर में रखेंगे उसके लिए मैं क्या करना है, इस तरह से ये फॉइल लेंगे। अगर आपके पास फॉइल नहीं है तो आप कोई पॉलिथिन का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं,
ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम किसी भी कंटेनर में जब इस तरह से ऐसे ढक्कन लगा के रखते हैं तो बिल्कुल भी एयर उसमें पास नहीं होगी, जिससे कि एयर पास नहीं होगी तो फिर बर्फ भी नहीं जमेगी। अदरवाइज जैसे कोई भी ढक्कन हम लगाए तो हल्का सा उसमें स्पेस रहता है एयर पास होने का, जिसकी वजह से आइसक्रीम में अंदर बर्फ जम जाती है, क्रीमी नहीं रहती है। इस तरह से मैंने इसको कवर कर दिया पूरा और अब वापस से इसमें ढक्कन हम ऊपर से इसमें लगा देंगे और इसे हम कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे जमने के लिए। और ये देखिए 6-7 घंटे हो गए हैं और इसे हम निकालेंगे इससे। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया एकदम आइसक्रीम बन के रेडी हुई है ये, और फाइनली हम इसे सर्व करेंगे। और इससे स्कूप से या आप किसी भी चम्मच से इसको निकाल सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया कस्टर्ड बनाना आइसक्रीम बन के रेडी हो गई है और ऊपर हमने थोड़ा सा चॉकलेट सीरम और एक चॉकलेट हमने क्रश करके इसमें डाली हुई है, ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल इट लाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक बहुत ही टेस्टी और मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।